सबमर्सिबल पंप से आने वाले पानी में कई प्रकार की गंदगी होती है, जैसे कंकड़, पत्ते, रेत इत्यादि। हेड यूनिट में सबसे पहले लगा हाइड्रोसाइक्लोन एक प्राइमरी फिल्टर है जो बड़े कण आगे नहीं जाने देता। हेड यूनिट में बटरफ्लाई वाल्व या बॉल वाल्व लगाकर पानी को नियंत्रित किया जाता है। इसके आगे लगाया गया वेंचुरी इंजेक्टर मेन लाइन में सही मात्रा में खाद मिलाने का काम करता है और ऑटोमैट एयर रिलीज वाल्व एक सेफ्टी वाल्व है जो लाइन में से हवा को निकाल देता है जिससे सिस्टम सुरक्षित रहता है। फिर सेकेंडरी स्क्रीन फिल्टर की मदद से छोटे कण भी पानी में से निकाल दिए जाते हैं जिससे आगे लगी मिनी स्प्रिंकलर प्रणाली बिना चोक हुए सही तरीके से सिंचाई करती है। हेड यूनिट से आ रहे पीवीसी पाइपलाइन में मेल थ्रेडेड टी के साथ एक इंच ऑटोमैट बॉल वाल्व और कंप्रेशन एमटीए लगाकर पूरे सेटअप के साथ ही कम प्रेशर की स्थिति में भी मिनी स्प्रिंकलर से समान छिड़काव पाया जा सकता है। लेटरल पाइप को जोड़कर खेतों में बिछाने के बाद 8 से 10 मीटर की समान दूरी पर पंच करने होते हैं। 8 या 10 mm का पंच किया जाता है। और फीमेल कनेक्टर को लगाने के लिए पुशर की मदद से दिखाए गए तरीके से लगाते हैं। मिनी स्प्रिंकलर को लगाने के लिए आधे इंच के मजबूत रिब्ड कनेक्टर को 8 mm प्लेटेड स्टील रॉड स्टैंड के ऊपर जोड़ दिया जाता है। रिब्ड कनेक्टर के दूसरे छोर पर 100% पीवीसी से बना 13 mm ऑटोमैट पीवीसी ट्यूब लगा होता है और इसके दूसरे छोर पर मेल कनेक्टर लगा होता है। स्टील रॉड स्टैंड को मिट्टी में गाड़ने के बाद पीवीसी ट्यूब में लगे मेल कनेक्टर को लेटरल पाइप में लगे फीमेल कनेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। मिनी स्प्रिंकलर को स्टैंड पर लगे रिब्ड कनेक्टर में हाथ से घुमाकर जोड़ने के बाद स्पेशल ऑटोमैट मिनी स्प्रिंकलर स्पैनर से कस लें। कचरा फंसने की स्थिति में बायोनेट नोजल को स्पैनर की मदद से दिखाए गए तरीके से खोलकर साफ कर सकते हैं। जब जरूरत हो कनेक्टर खोलने के लिए यू ओपनर की मदद से पाइप में लगे मेल कनेक्टर को निकाल सकते हैं और प्लग को लेटरल लाइन में लगे फीमेल कनेक्टर पर लगाकर पानी के रिसाव को बंद किया जा सकता है। गलत पंच होने पर भी फीमेल कनेक्टर के साथ प्लग लगाया जा सकता है। इन सभी उपकरणों के साथ ऑटोमैट मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई करने का एक संपूर्ण और भरोसेमंद साथी है। अपने खेत के नाप के हिसाब से दिखाए गए टेबल के अनुसार ऑटोमैट मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के बीच की दूरी तय करें। यह सुनिश्चित कर लें कि आखिरी लाइन के आखिरी स्प्रिंकलर पर मिनिमम 1.5 केजी प्रेशर हो। छोटे बड़े सभी खेतों के लिए कम पानी या कम प्रेशर सभी स्थितियों में यह पूरी प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आपके खेत में एक समान पानी का छिड़काव हो। सिंचाई करने का एक दमदार और भरोसेमंद साथी ऑटोमैट मिनी स्प्रिंकलर।